हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देसी सूरन की रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देसी सूरन की सब्जी मैं ऐसी बनाऊंगी कि जैसे गला काटता है ना, तो कभी गला नहीं काटेगा। जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर आप उस तरह बनाएंगे तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अमेजिंग बनती है। और बस कुछ खास टिप्स हैं, आप उसका ध्यान दीजिएगा तो आपकी जो है कि सब्जी देसी सूरन की बहुत ही अच्छी बनेगी और गला भी बिल्कुल नहीं काटेगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो सूरन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ देसी सूरन का इस्तेमाल किया है। मैं देसी सूरन की सब्जी बनाऊंगी। और दोस्तों, ये दीपावली के दिन ज़रूर बनता है, सबके यहाँ सूरन की सब्जी दीपावली के दिन बनता है। तो मैं इसे छील लेती हूँ, काट लेती हूँ और फिर उबालते समय मैं इसमें ऐसा क्या डालूंगी जिससे ये बिल्कुल गला नहीं कटेगा। तो एक ध्यान रहे कि जब आप इसे छीलिएगा तो हाथों में तेल लगा लीजिएगा और या तो पोलथीन से अपने हाथ को कवर कर लीजिएगा या तो दस्ताना लगा लीजिएगा, तभी आप इसको छीलेगा काटेगा, नहीं तो हाथ में खजुलाहट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर हम इसे छील लेते हैं और काट लेते हैं। तो ये देख सकती हैं कि हमने सूरन को जो है कि छील लिया है और इसे हमने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हमने काट लिया है और कुछ छिलके इसी में भी हैं। तो जब हम इसको उबाल लेंगे ना तो ये छिलके हम निकाल लेंगे, ये छिलके आराम से निकल जाएंगे। और इसे मैंने जाए कि धुल भी लिया है, इसको धो करके मैंने साफ भी कर लिया है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इसे हम अब उबालेंगे। तो देखिए कि मैं उबालते समय इसमें क्या ऐसा डालने वाली हूँ जिससे बिल्कुल गला नहीं काटेगा। तो हम उबालेंगे, तो हम इसे उबालेंगे कुकर में। तो हमने यहाँ कुकर लिया हुआ है और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी जो है मैं इस अपने मग से एक मग पानी लिया हुआ था और इतना मैंने बचा लिया है, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें हम अपने इस सूरन को डाल देंगे। और इसमें हम ये हमने फिटकरी ली हुई है, इस फिटकरी को हमने पीस लिया है और इस फिटकरी को हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने इसे एक चम्मच और थोड़ा सा और लिया था डालने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा सब्ज़ी आपकी खट्टी खट्टी लगेगी, बस इतना ही करना है। तो मैंने सूरन इसमें फिटकरी को डाल लिया और इसे मैं थोड़ा सा ऐसे करके मिला लेती हूँ इसमें और इसका ढक्कन लगा के मैं इसे रख देती हूँ उबालने के लिए। तो देख सकते हैं कि मैंने इसे उबाल लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये उबल चुका है। तो ये जो छिलके हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छिलके कितने आसानी से और कितने आराम से निकल जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे हम छील के इसके छिलके निकाल लेंगे, ये देखिए इसी तरह करके मैं सारे छिलके इसके निकाल लूँगी। और देख लीजिए ये अच्छे से पक भी गया है, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये अच्छे से पक भी गया है। मैं सारे छिलके निकाल लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देख सकती हैं कि मैं सूरन के पूरे छिलके को मैंने निकाल लिया है और ये देखिए अच्छे से निकल भी चुका है। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। आप ऐसे भी बनाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन फ्राई करने से भी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हम इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया हुआ है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो आप इसे अगर मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब इसे मैं एक एक करके डाल लेती हूँ फ्राई होने के लिए। तो ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है और इसे हम जो है कि ब्लैक पलट लेते हैं, ले करके हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह करके हम दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लिया है और ये देखिए इसे फ्राई हो गया है।
और इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने सारे सूरन को फ्राई कर लिया है और फ्राई की हुई कढ़ाई में मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल लिया है, तो इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमने 3 लेट लाल मिर्च ले ली है, 1 तेज़पत्ता लिया हुआ है इसको भी डालेंगे, और एक जो है कि काले वाली इलायची है इसको भी डालेंगे। तो सारे चीज़ों को डाल के हम भून लेते हैं। 10 सेकंड के लिए सारे चीज़ों को डाल के भून लिया है। तो ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई थी और इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं और इसे डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमने प्याज को भी हल्का हल्का सब भून लिया है, और यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई थी, इसे मैंने ग्राइंड किया है जार में, तो इसको भी मैं डाल लेती हूँ और इसे भी मैं भून लूँगी। तो प्याज भी हमारी भून चुकी है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालकर भी मैंने इसे भून लिया है, और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए थे जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल के भून लेंगे। तो सारी सामग्री डालकर मैंने इसे 1 मिनट तक भूना है और अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ 1 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, इसको भी ऐड करेंगे, और हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, और 1 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी, और कश्मीरी लाल मिर्च है, एक कलर के लिए है, तीखी नहीं होती, इसको भी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है कश्मीरी लाल मिर्च, उन सबको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें जीरा पाउडर भी ऐड किया, इसको भी डाल के मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुना जाए। तो मैंने 1 कटोरी पानी लिया हुआ है, इसमें इसमें मैं ऐड करूँगी, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च का अचार लिया हुआ है, और इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल बना लिया है, और इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार है तो आप उसे ज़रूर डालिएगा, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। इसे स्किप मत कीजिएगा अगर हो तब, अगर ना हो तो आप इसमें चाट मसाले भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इन सबको मैं डाल के मिक्स कर लेती हूँ, और इसे मैं कवर करके पकने देती हूँ। तो इसे मैं कवर कर देती हूँ, और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो है कि ग्रेवी के ऊपर जो है कि हमारे ऊपर तिल दिखने लगे हैं, और यानी कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए सूरन को डालेंगे। एक जो हमने फ्राई किया हुआ है सूरन है, इसको हम डालेंगे। तो हमने पीस इतना बड़ा बड़ा रखा है, आप अपने हिसाब से पीस रख सकते हैं छोटा बड़ा। तो मुझे थोड़े बड़े बड़े ही पीस अच्छे लगते हैं, तो मैंने सूरन का बड़ा बड़ा पीस किया हुआ है, और इसे भी डाल के मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। को भी मसाले में मैंने मिक्स कर लिया है, और इसे मैं कवर करके थोड़ी देर तक पकाऊँगी, 10 से 15 सेकेंड। चेक करते हैं तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड करती हैं कर सकती हैं, आपको अगर मोटी पतली जैसी ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। और दोस्तों एक बात आप लोगों से मैं बताती हूँ कि ये सब्ज़ी अगर दीपावली के दिन हम बनाते हैं ना, तो समझिए कि बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी आप इस तरह बना करके खा करके देखिएगा कि मैंने जो बातें कही वो बिल्कुल सच कही, कि हाँ पता नहीं उस दिन ऐसी क्या बातें होती है दीपावली के दिन कि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने पानी भी इसमें डाल लिया, थोड़ा सा मैं और पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि जब एक पकेगी तो थोड़े से पानी कम हो जाएंगे, और जब ये सब्ज़ी ठंडी होगी तो ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसे हम पका लेते हैं पानी डाल करके भी।
मैं इसे चेक करती हूँ तो देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी जो है कि बन कर के रेडी है। और ग्रेवी हमें इतना ही रखना है क्योंकि जब ये सब्ज़ी ठंडी होगी ना तो ये काफ़ी थिक हो जाएगी, तो ये कंसिस्टेंसी अच्छी है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। और जिस तरह मैंने बताया है अगर उस तरह आप बनाएंगी तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी और गला भी नहीं काटेगा। मैंने जो भी चीज़ डाला है आप वही चीज़ डालिएगा, बिल्कुल गला नहीं काटेगा, आपको नहीं लगेगा कि आपने देसी सुरन की सब्ज़ी बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो मुस्कुरा के एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अगली रेसिपी लेके अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।